शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी का ऑनलाइन वितरण किया, साथ ही कई खूबियों से लैस ऑनलाइन खसरा को भी लॉन्च किया। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, CRO चंद्रशेखर सिंह, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के लाभार्थी को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया तथा अन्य जनपदों के किसानों से संवाद भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घरौनी मिलने से सभी लाभार्थियों को घर का स्वामित्व मिल गया है। प्रॉपर्टी कार्ड के लाभार्थी बैंक ऋण समेत दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब आपके मकान पर कोई भी दबंग कब्जा नहीं कर सकेगा, किसी तरह की दिक्कत पर सरकार आपके साथ है। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा कि घरौनी कार्ड से भू स्वामी अपने संपत्ति का मालिक बन जाता है, इसके अलावा जमीनी विवाद भी खत्म हो जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा, घरौनी क्या किए गए डिजिटल वितरण क्या जाना है। मान्यवर स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को उनके घरों के अधिकृत अभिलेख मिलने से ग्रामीण क्षेत्र के भूखंडों से संबंधित विवाद में कमी आने की पूरी संभावना है और ग्रामीणों को उनकी जो भूमि है उस पर अन्य बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। आइए मुन्ना जी, आप कहाँ घर है आपका? बधाई आपको। किस जिले से? बांदा जिला। बांदा से आप हैं? अब ये जमीन के मालिक आप हो गए हैं, ठीक है ना? जिसने आपका मकान है वो जमीन आप ही की, ठीक है? आपके नाम पे आ गई, कागज आपका बन गया, ठीक है? हम बहुत खुश हैं, आपके बहुत आभारी। यदि आबादी में भी हो जाता तो मकान के साथ साथ जमीन के मालिक आप यहाँ से हैं, बंगाई से आए हैं, अभी जमीन आओ जी। आप कहाँ से आए हैं माता जी? कौशाम्बी से, ठीक है। पहले बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आराम से आप कहाँ से हैं? झांसी से सर। झांसी से, बहुत सुंदर। कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। अभी जमीन के मामले का आप बोल रहे हैं, ठीक है सर? रामकिशोर जी सर, यहाँ उपस्थित है सर। महाराज जी प्रणाम। नमस्कार किशोर जी, आप कैसे हैं? ठीक है सर। थोड़ा जल्दी करा ले यार। तो आपको जो है आपकी जमीन में जहां आपका मकान था उसका कागज मिल गया जी? आपने मकान कब बनाया था? ये तो पुरखों का बना हुआ है, बहुत पूर्वज बनाए थे। लेकिन उस जमीन पे आपका जो है पुराना मकान था, लेकिन जमीन के मालिक नहीं थे आप। मकान के मालिक तो थे लेकिन जमीन के नहीं थे। अब आज से आप मकान के भी और जमीन के भी मालिक हो गए हैं जी सर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना के माध्यम से हर एक नागरिक को जहाँ पे उसका मकान बना हुआ है उसका अधिकार भी उसको दे रहे हैं। अब आप जमीन के भी मालिक हो गए, भूमि के भी मालिक हो चुके हैं। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है। अब इस जमीन के माध्यम से अगर आप कभी आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसका लाभ भी आप ले सकते हैं, मालूम है ना? क्योंकि पहले जब तक गांव में होता क्या है कि ज्यादातर लोग आबादी की जमीन में बसते हैं,
और आबादी की जमीन पे जब बसते हैं तो जमीन उनके नाम पे नहीं होती, मकान तो बना देता है जी, और उसका परिणाम बाद में उससे कोई भी बैंक से लोन नहीं ले सकता, अन्य कोई सुविधा नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन अब आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके अधिकारी आप हो गए हैं। तो आपको और आपके परिवार को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी सर, धन्यवाद, नमस्कार। ग्राम पंचायतों के 157,244 से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेखों यानी घरौनी के डिजिटल वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर और साथ ही साथ ऑनलाइन डिजिटल कस्बे के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि स्वामित्व योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और हर एक गरीब के लिए उनके मन में जो भाव है उस भाव को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, पस्त थी और लोग कोरोना में केवल अपनी जान की परवाह कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और प्रदेश सरकार अपने गांवों के गरीबों के, किसानों के और उन गरीब आबादी की चिंता कर रही थी जो पुस्त दर पुस्त अपना मकान बना करके गांव में रहते तो थे, लेकिन उस जमीन का मालिक कभी नहीं बन पाते थे। इसके कारण दो समस्याएं पैदा होती थी। एक, अगर कभी दुर्भाग्य से मकान टूटा तो दबंग लोग उस जमीन पे लोगों को, गरीबों को फिर से मकान नहीं बनाने देते थे, और एक व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी नाम उसके नाम पे जमीन न होने के कारण अगर मकान एक बार क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, तो फिर उस जमीन को फिर से मकान बनाने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे, कभी लेखपाल, कभी राजस्व के किसी कर्मी के माध्यम से, फिर कभी किसी गांव के दबंग के माध्यम से पैसा वसूली होता था और गरीब उस से हमेशा वंचित रहता था, प्रताड़ित रहता था, पीड़ित रहता था, अपनी भूमि का कभी भी वह मालिक नहीं बन पाता था। दूसरा, किसी गरीब के सामने अपना व्यवसाय या कोई कारोबार प्रारंभ करने की कोई बात सामने आती थी तो व्यक्ति हमेशा उससे वंचित रहता था, क्योंकि उसके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। तो होता था मकान कितना भी आलीशान हो, लेकिन अगर बैंक से लोन लेना हो, ऋण लेना हो, उन स्थितियों में ये एक समस्या उसके सामने आती थी कि आखिर ऋण कहां से हो ले। बैंक जमीन के कागज मांगता था, जमीन के कोई कागज उसके पास होते ही नहीं थे। स्वामित्व योजना कोरोना काल खंड में आप सब जानते हैं 24 अप्रैल 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया और तब से लेकर के प्रदेश ने जो कार्य किया है ये बहुत उल्लेखनीय है कि पहले दिन से ही उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर इस पूरे कार्यक्रम और पूरी योजना के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। मैं इसके लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को, राजस्व परिषद इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 82,913 ग्रामों को सूचित किया गया है और स्वामित्व योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण, उस भू अभिलेख के आधार पर ग्रामीण जनता को सहज रूप से वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायत के विकास के लिए संपत्ति कर का समुचित निश्चय आदि भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी गांव हमारे स्वावलंबी होंगे, व्यक्ति के साथ साथ हमारी ग्राम पंचायतें भी इस योजना के माध्यम से स्वावलंबी बनेंगी और हर एक व्यक्ति इस योजना का लाभ भी उपलब्ध कर पाएगा।
खंड के दौरान किए गए विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से देखा होगा, महसूस किया होगा, और आज फिर जब इस योजना को हम लोग लागू कर रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा कि एक साथ 1,57,000 से अधिक लोगों को एक साथ स्वामित्व योजना का लाभ 1,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सभी कार्य डिजिटली सभी लोगों को इसका लाभ उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। तकनीक के महत्व को हम लोगों को अपने जीवन में समझना होगा और उसके महत्व को अपनाने के लिए सदैव प्रेरित भी करना होगा, और ये आज इस रूप में हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले लेखपाल जाते थे, वे नापते थे और फिर उसमें उनके नाप जोग में भी कभी कभी बहुत सारी शिकायतें आती थी। अब तो ये सभी कार्य हो रहा है ड्रोन से हो रहा है। ड्रोन सर्वे के आधार पर एक एक इंच भूमि को नापने का काम किया जा रहा है, उस आधार पर हर एक घर के बारे में सही जानकारी और उसको अभिलेख में उसी रूप में दर्ज करने का कार्य भी किया जा रहा है। इस तकनीक के इस महत्व को हम लोगों को समझना होगा और इस महत्व के माध्यम से जो आज ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को इस योजना का लाभ उपलब्ध हो रहा है, यह सचमुच एक नई क्रांति है जो गरीबों को उनका हक देने के लिए, किसानों को उनका हक देने के लिए भारत सरकार के स्तर पर किए गए परिणामों का प्रयास है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 11 जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, वाराणसी आदि में इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए 11 गांव हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, हम लोग 1700 लाभार्थी को वितरण कर चुके हैं। अभी जनपद में तो कितने भी राजस्व गांव हैं, हम एक लक्ष्य लेके जा रहे हैं मार्च तक सभी गांवों का सर्वे होते हुए और इन लोगों का घरौनी का वितरण भी हो जाए, उसी दिशा पे हम लोग कर रहे हैं। सर कितना लाभ मिलेगा घरौनी कार्ड बनना? ये देखिए बहुत सारे विवाद खासतौर पर आबादी क्षेत्र का होता है, खासतौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज VC में भी जिक्र किए कि मान लीजिए किसी के घर क्षति हो गया है, किसी के घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं, वो फिर अनावश्यक वो विवाद का एक मुद्दा बना रहता है ताकि आबादी के अंदर लेखपाल भी पैमाइश नहीं कर सकते। तो दूसरा मुद्दा है जो उनका यदि मान लीजिए ज़रूरत के हिसाब से बेचने चाहते हैं, नहीं तो कहीं बैंक से लोन लेने चाहते हैं, उसका कागज़ पत्र मिलता नहीं ताकि आबादी क्षेत्र का कतौनी तो बनता नहीं। अब पहले बार घरौनी बन रहा है, इसका लाभ क्या है, एक पुष्टि हो जाता है वो ज़मीन का मालिक वही है, और उसका लाभ के अलावा जो इसी टाइप का विवाद है किसी का जो ज़मीन का लेके बहुत विवाद चलता है उसमें भी बहुत सहयोग मिलेगा उनका।